तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। स्मैकडाउन में कल क्या क्या होने वाला है, क्या कंफर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। एडिशनल चीज़ें भी होंगी लेकिन अभी जो कंफर्म है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो कल होने वाली है टाइटल डिफेंड वुमेंस डिवीजन से आस्का करने वाली है अपनी टाइटल यानी कि WWE वुमेंस चैंपियनशिप को डिफेंड अगेंस्ट बियांका ब्लेयर। एंड प्लीज़ यहाँ पर बियांका ब्लेयर को मत जितवा देना, हालांकि वो जीतेंगे नहीं बट स्टिल भाई कोई ठीक नहीं है, आजकल कुछ भी हो जाता है। तो मैं यही होप करूंगा कि टाइटल यहाँ पे सक्सेसफुली रिटेन हो। इसके बाद जे उसो आने वाले हैं एंड क्या होगा वो देखना होगा, क्योंकि जे उसो ने लास्ट वीक चैलेंज किया रोमन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए समर स्लैम के अंदर, जो कि हो सकता है। अब रोमन तो एडवर्टाइज नहीं है शो के लिए, सरप्राइजिंगली आ जाए तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन रोमन एडवर्टाइज नहीं है बट जे उसो एडवर्टाइज्ड हैं कि वो शो में अपीयर होने वाले हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगी, समर स्लैम के लिए मैचेस अनाउंस होंगे, तो कुछ मैचेस अनाउंस हो सकते हैं या फिर उनकी बिल्ड आपको देखने को मिल सकती है, ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो यार मेरे कुछ टॉप अभी करेंटली फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक हो चुके हैं। जिस तरीके से इम्प्रूव किया है डोमिनिक ने, हर एक बंदा हर एक फ़ैन अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। अगर देखें उनकी प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा है। कॉनन बात करते हैं इसके बारे में, कॉनन रे मिस्टीरियो को अभी रिसेंटली मैं इंडक्ट करते हुए देखे थे हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो कॉनन बात करते हैं डोमिनिक के बारे में एंड उनसे पूछा जाता है कि क्या आप डोमिनिक को वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल देखते हो, क्या आपको लगता है कि डोमिनिक वर्ल्ड चैंपियन बनेगा WWE के अंदर। कॉनन कहते हैं डंके की चोट पे बिल्कुल बनेगा। सबसे पहली बात कॉनन कहते हैं कि जिस तरीके से इसने खुद को प्रोग्रेस किया, खुद को इतना जल्दी ढाला इस माहौल के अंदर, इतनी जल्दी इंप्रूव किया है, वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अप्रिसिएटेबल है। एंड अभी जो है और समय आना बाकी है, अभी काफ़ी यंग है तो ये बंदा फॉर श्योर फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन तो है। साथ में बैक सपोर्ट भी है, WWE वाले काफ़ी पहले से जान रहे हैं तो वो एक इमोशनल टच भी है, क्योंकि बच्चे थे डोमिनिक तब से WWE में आ रहे हैं, एडी गरेडो वाले के टाइम, उस टाइम से तो एडी गरेडो थे उस टाइम पे भी डोमिनिक थे, उसके बाद अभी भी हैं, तो वो भी एक इमोशनल सपोर्ट है। तो ओवरऑल पुश तो इनको मिलने वाला है। कॉनन कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन तो फॉर श्योर 110% ये है ही है, फ्यूचर में ये वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। क्या आप लोग अग्री कर तो कॉमेंट करके बताना। जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है इनके अंदर डोमिनिक के अंदर, मुझे लगता है कि बनेंगे वो। आगे बढ़ते हैं गाइस, सोलो सिकोवा की बात करते हैं। भाई क्या लीक हो गया, खतरनाक सी वीडियो लीक हो गई। सोलो सिकोवा जो है अभी अपनी पहली एक वीडियो में, बहुत पहले की कोई वीडियो, वहां पे ये गाना वाना गाते दिख रहे हैं। आपको याद होगा रेसलमेनिया 32 का वो था थीम सॉन्ग था माय हाउस करके, फ्लोरिडा का गाना वेलकम टू माय हाउस बेबी व्हाट यू डू नाउ कुछ ऐसा करके था। तो वो पुरानी वीडियो जो है सरफेस हो रही है सोनू सिकोवा की, जहाँ पे कि वो किचन के अंदर बर्तन करते हुए भाई ये गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, फुल अपनी वाइब इंजॉय कर रहे हैं। पुरानी वीडियो अभी रीसर्फेस हो रही है तो काफ़ी इंटरनेट पे छा रही है, तो मुझे लगा आपको भी अपडेट करते हैं, जल्दी से दिखाते हैं कि भाई देखो ये क्या मसाला चल रहा है। इसके बारे में रिएक्शंस कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताना भाई, लेकिन एक अलग ही रूप देखने को मिल गया सोलू सिकोवा का। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है पॉल हेमन को लेके। पॉल हेमन भयंकर वाला फ्लेक्स करते हुए दिखे हैं रिसेंटली अपने ट्वीट्स के अंदर। हमने सुना, मैंने आपको अपडेट्स में बताया कि जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाला एपिसोड हुआ था WWE का स्मैकडाउन का, वो काफ़ी पॉपुलर शो गया, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मैडिसन स्क्वायर गार्डन शो था WWE का हिस्ट्री का। एंड सही में काफ़ी मैसिव शो था, बड़ी चीज़ें भी हुई थी, क्राउड ने भी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया, मर्चेंडाइज वगैरह भी की, सब कुछ हुआ, कंप्लीट प्रॉफिट था WWE के लिए। तो पॉल हेमन इसी के रिलेटेड ट्वीट करते हैं, लिखते हैं नो वन इन हिस्ट्री, नॉट ब्रूनो, नॉट हल्क, नॉट ऑस्टिन, रॉक, DX और सीना, नो वन हैज़ एवर ओन्ड मैडिसन स्क्वायर गार्डन लाइक द ब्लड line. Hey, you can throw in Ali, Frazier, the next Rangers at L to the equation. Hashtag we the ones. बताता हूँ इसका मतलब। इसके बाद एक और ट्वीट करते हैं, लिखते हैं द रिकॉर्ड स्मैशिंग सोल्ड आउट क्राउड एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेजेस योर ट्राइबल चीफ। तो पॉल हेमन कहते हैं भाई किसको भी गिन लो, ब्रूनो सैमेटिनो, हल्क हॉगन, ऑस्टिन, रॉक, DX, जॉन सीना, अली, फ्रेजर, अलग अलग स्पोर्ट्स से भी काउंट करते हैं लोगों को, कहते हैं किसको भी गिन लो मेडिसन स्क्वायर गार्डन को, ये आज मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, मेडिसन स्क्वायर गार्डन MSG को किसी ने इतना भयंकर अपने कब्जे में नहीं लिया जितना कि ब्लड लाइन ने लिया, तो हम एक्नॉलेज करो वी द वंस, कहते हैं कि हम इन सबसे ऊपर है। अग्री करने वाली बात है भाई, जो है वो सामने वाली चीज़ है, सबने देखा है। बाकी बस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, कल स्मैकडाउन के बाद मिलेंगे। लाइक करना गाइस, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। आज के लिए अपडेट वाला मामला, मार्केट काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है यार, आई होप जल्दी कुछ खतरनाक सा हो। बाकी बस मिलते हैं अगले वीडियो में।